बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस लेक्चर में हम सीए फाइनल के सिलेबस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सीए फाइनल सीफैप, उसके जो सिलेबस है। अच्छा, आईकैप ने एक स्टेटमेंट वहाँ लिख के दिया है अपनी वेबसाइट पर, और वो ये है कि जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं एसआरओस के थ्रू, SRO स्टैंड फॉर स्टैचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको हम, तो जो भी चेंजेस आती हैं टैक्सेशन के लॉज में, वो 6 मंथ्स तक एप्लीकेबल नहीं होती, एक्सेप्ट फाइनेंस एक्ट। अच्छा, आपको पता है कि हर साल जून में फाइनेंस एक्ट आता है कि जिसमें टैक्स लॉज में मेजर चेंजेस आती रहती हैं। अच्छा, वो एप्लीकेबल होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। अच्छा, इसका टाइम है 4 मंथ्स। इट मीन्स कि जो सीए फाइनल का एग्जामिनेशन है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें जो भी प्रीवियस बजट है, फाइनेंस एक्ट है, उसकी चेंजेस एप्लीकेबल हो जाती हैं, और फाइनेंस एक्ट के साथ साथ जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो सर्कुलर आते हैं, वो भी एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर हम फाइनेंस एक्ट को फिलहाल छोड़ दें, तो जो बीच में एसआरओ आते हैं उनका टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स। तो अब होता यह है कि अगर आपका जून में एग्जामिनेशन है, तो हम एहतियातन 31 दिसंबर की आप एक कट ऑफ डेट रख सकते हैं कि 31 दिसंबर तक जो भी चेंजेस हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट करें फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेस। इसी के से अगर दिसंबर के एग्जामिनेशन है, तो उसमें तो वैसे भी फाइनेंस एक्ट की चेंजेस अप्लीकेबल हो ही जाती हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि आपका जो सिलेबस है सी ए फाइनल का, सी फैप का, वो क्या है। अच्छा, उसमें बेसिकली लॉज तो 3 हैं। एक है इनकम टैक्स लॉज, सेल्स टैक्स और FED। अच्छा, फिर एक और पोर्शन है उसमें एथिक्स, उसकी भी हम बात करते हैं। अच्छा, अभी जो लॉज हैं उसमें SROs भी शामिल हैं, रूल्स हैं, जनरल ऑर्डर्स हैं और सर्कुलर्स हैं। अच्छा, इसमें केस लॉज और जो टैक्स ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अब ये जो जनरल ऑर्डर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, तो अगर हम पहले बात कर लें सर्कुलर्स की। अच्छा, सर्कुलर्स में सर्कुलर्स भी हैं और सर्कुलर लेटर्स भी हैं। अच्छा, सर्कुलर में और सर्कुलर लेटर में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, बात ये कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो जो नोटिफिकेशन होते हैं वो तो असल में लॉ को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन सर्कुलर्स होते हैं ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पजेस। अच्छा, अब अगर कोई इक्वायरी रेज की जाए FBI के पास और वो उसकी एक्सप्लेनेशन दें, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि वो एक जनरल एक्सप्लेनेशन दें, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर्स, इसका बाकायदा एक सीरियल नंबर होता है, सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2018 और 3 ऑफ 2018 और, ठीक है, ओके। अच्छा, वो तो वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं और उसका बाकायदा एक्सेस हर एक के पास होता है। लेकिन होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक लेटर लिखा FBI को और FBI ने उसी पर्टिकुलर पर्सन को ही रिप्लाई दिया है, उससे हम कहते हैं सर्कुलर लेटर। अच्छा, सर्कुलर लेटर का कोई बाकायदा सीक्वेंस इस तरह से नहीं होता सर्कुलर की तरह, वो वेबसाइट पर अवेलेबल भी नहीं होते हैं। लेकिन जिस पर्सन ने लेटर लिखा है, अगर आपका भी वही इशू है, तो आप भी उस एक्सप्लेनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है होता है कि वो सर्कुलर लेटर्स अवेलेबल कहाँ होंगे, तो वो अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ जो टैक्स मैगजीन्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे PTT है, टैक्सेशन है, इनमें अवेलेबल होते हैं। तो होता ये है कि कुछ सर्कुलर्स लेटर हमारे काम के हो सकते हैं। तो बहरहाल हमने कोशिश ये की है कि जो सर्कुलर्स हैं और जो सर्कुलर लेटर्स हैं, उनमें से जो एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए काम के हैं, वो हम अपने नोट्स में या कुछ जो स्लाइड्स हैं उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ओके, अच्छा, सर्कुलर का बड़ा अजीब सा मामला है। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई 20 साल पुराना सर्कुलर हो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए अभी यूजफुल हो, और ये भी हो सकता है कि करंट ईयर का कोई सर्कुलर हो और वो आपके लिए बेकार हो, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए हो और एग्जामिनेशन से उसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक ना हो। अच्छा, इसी के साथ हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्डर्स की। तो अगर हम बात करें सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर्स की, तो कभी अगर आप FBI की वेबसाइट पर जाके देखें, तो सेल्स टैक्स के मोर देन
700 जनरल ऑर्डर्स आर अवेलेबल। अच्छा, उनमें से एग्जामिनेशन पर्पस के लिए डेफिनेटली हार्डली 5% भी आपके काम के नहीं होंगे। तो अब उसमें से कौन सा जनरल ऑर्डर आपके काम का है एग्जाम के लिए, कौन सा नहीं, डेफिनेटली एक स्टूडेंट तो ये चेक कर ही नहीं सकता। टाइम के हिसाब से उसका इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो हमने काम ये किया है कि तकरीबन मोर देन 700 जनरल ऑर्डर्स खुद पढ़ें, उनमें से जो एग्जामिनेशन के लिए काम के हैं उसको हमने अपनी बुक्स में या फिर अपने जो स्लाइड्स हैं उसमें इंकॉर्पोरेट कर लिया है। मिसाल के तौर पर सेस एक्स में कंसेप्ट है मिनिमम सेस एक्स लाइबिलिटी। तो सेस एक्स एक्ट में उसका सिर्फ कंसेप्ट है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो एक जनरल ऑर्डर्स में हैं, और वो जनरल ऑर्डर जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपनी बुक में वो जनरल ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए उसकी पूरी समरी एक बना के आपको दे दी है। अच्छा ना, ये आपके पास था सिलेबस। अब अगर हम देखेंगे इसकी वेटेजेस क्या हैं, तो इनकम टैक्स की जो वेटेज है वो तकरीबन कोई 52% अप्रॉक्सीमेटली, सेल्स टैक्स 33% अप्रॉक्सीमेटली, एफईडी 12% कह सकते हैं, एथिक्स 7% कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एफईडी है, एफईडी आपके पास पूरा लॉ नहीं बल्कि सिर्फ चैप्टर्स 1 एंड 2 मौजूद हैं और इसके थोड़े बहुत शेड्यूल्स भी मौजूद हैं। ये अलग बात कि एफईडी अब तकरीबन इन एप्लीकेबल हो चुका है। तो जब हम सेल्स टैक्स के और एफईडी के जो नोट्स हैं उसमें जाएंगे तो पूरी आपको तफसील बताएंगे इसमें। अच्छा, एफईडी अब इन एप्लीकेबल इसलिए हो गया है कि अब उसकी जगह बेसिकली जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज हैं उन्होंने ले ली है। अच्छा, अब जो एथिक्स है, एथिक्स का मामला ये है कि कैफ लेवल सी इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें एथिक्स भी शामिल किया उन्होंने। अच्छा, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी हैं जो यहाँ पर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, एथिक्स का मामला ये है कि कैफ लेवल का जो आईकैप ने स्टडी पैक बनाया है वही आपको यूज़ करना है, उसके लिए कोई सेपरेट चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है, आप एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकें तो अच्छी बात है, ना कर सकें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, तो एथिक्स का चैप्टर हम आपको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ना, फिर अगर हम ये देख लें कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते रहे हैं और कितने क्वेश्चंस थ्योरिकल आते रहे हैं, तो सिर्फ